स्वागत है सभी व्यूवर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन। तो हेडिंग लगाइए कोलिजन या संघट। क्या होता है कोलिजन? जब भी दो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर इस तरीके से मोशन में हो कि उनकी वेलोसिटीज, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा हो वो अंडर कंजर्वेशन लॉस हो। यानी कंजर्वेशन लॉ क्या है? वेरी गुड। उनके अंडर में वेलोसिटीज, मोमेंटम और एनर्जीज में चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उन ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन टेक प्लेस हो रहा है, कोलिजन की घटना हो रही है। कोलिजन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए, यानी वो जब टकराएं तभी हम कोलिजन कहेंगे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट भी उनके बीच में कोलिजन हो रहा होगा यदि उनकी वेलोसिटीज, मोमेंटम एंड एनर्जीज चेंज हो रही हो अंडर कंजर्वेशन लॉस। ठीक है, जो कोलिजन होता है वो टू टाइप का होता है, यानी दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। कई बुक्स में आपको एक थर्ड टाइप का भी कोलिजन मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, नोट करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है आपका और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यहाँ पहुँचने से पहले एक हेड ऑन कोलिजन का नाम आएगा और एक ऑब्लिक कोलिजन का नाम आएगा। एक आएगा आपका हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और एक आएगा ऑब्लिक कोलिजन। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपके मोशन में हैं और ये इनकी लाइन ऑफ मोशन है, ये क्या है आपका लाइन ऑफ मोशन है और इसी के अलॉन्ग इनमें इंपैक्ट होता है, टकराते हैं इसी के अलॉन्ग, और यही क्या है, यही क्या है लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो हम कहेंगे कि इनके बीच जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन कोलिजन होगा। यानी यदि जो लाइन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट्स के लिए और लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो एक ही हो तो हम इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब मान लीजिए इस तरीके का आपका है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये मोशन में है आपका, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है, ये ऐसे मोशन में, तो लाइन ऑफ मोशन इसकी ये हो गई और लाइन ऑफ इंपैक्ट ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस जाकर के ये इस लाइन के अलॉन्ग इंपैक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, और लाइन ऑफ मोशन ये है। तो जब भी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट डिफरेंट होती हैं तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो फॉर हेड ऑन कोलिजन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट शुड बी सेम, फॉर ऑब्लिक कोलिजन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए बातें। अब एक लॉ पढ़ा था हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो ड्यूरिंग कोलिजन, और कौन सा कोलिजन, कोलिजन चाहे किसी टाइप का हो, किसी टाइप का मतलब है इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, जो मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है थ्रू आउट द कोलिजन। मतलब टकराए, टकराने के बाद जब अलग हो गए, टकराने से पहले, ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जो मोमेंटम सिस्टम का होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो आप एक लाइन नोट कर सकते हैं कि फॉर एनी काइंड का मतलब है इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों के लिए ये जो लाइन बोलने जा रही है दोनों के लिए सही है और ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, फॉर एनी काइंड ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी मोमेंटम उतना ही रहेगा, किसका, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि ये दो पार्टिकल है आपका, हमने कहा ये m1 मास का पार्टिकल है और ये m2 मास का पार्टिकल है, ये u1 वेलोसिटी से मोशन में है, ये u2 वेलोसिटी से मोशन में है, तो इन दोनों को हम एक सिस्टम मान लें, ये दोनों को क्या मान लें, एक सिस्टम मान लें। तो अभी इनके बीच कोलिजन नहीं हुआ है, अभी इसमें जो हम लोग को
पढ़ना है सिलेबस में है वो सब जो है फिजिकली कॉन्टेक्ट वाले ही पढ़ने हैं। फिजिकली कॉन्टेक्ट वाले मतलब जब टकराएंगे वही वाले हमें स्टडी करने हैं। तो जब ये ह्यूमन वेलोसिटी वाला पार्टिकल है जिसका मास m1 है ये m2 मास के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, ये एक ही कंडीशन में कोलाइड करेगा व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। और जब ये कोलाइड करेगा तो कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा हमें, ठीक है, इस तरीके का नजारा दिखेगा, मतलब ये कुछ डिस्टॉर्ट हो जाएगा। दोनों जब कोलाइड करेंगे तो ये m1 मास ये m2 मास डिस्टॉर्टेड हुआ तो मोमेंटम यहां भी कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन भी ड्यूरिंग कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन में हमने कहा ये m1 मास जो है वो v1 वेलोसिटी से मोशन में आ गया और m2 मास का जो पार्टिकल था वो v2 वेलोसिटी से मोशन में आ गया। तो ये सिस्टम हो गया आफ्टर कोलिजन। तो जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही मोमेंटम होगा सिस्टम का ड्यूरिंग कोलिजन और उतना ही मोमेंटम होगा आपका आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन के दौरान मोमेंटम सिस्टम का जो है मोमेंटम वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी जो मोमेंटम यानी पी जो है ये क्या रहेगा कंजर्व रहेगा यानी कॉन्स्टेंट होगा। बिफोर कोलिजन जितना है ड्यूरिंग कोलिजन भी उतना रहेगा और आफ्टर कोलिजन भी उतना रहेगा, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। देखो ड्यूरिंग कोलिजन में क्या है दोनों पार्टिकल कुछ डिफॉर्म हुए, डिफॉर्म होंगे तो कुछ एनर्जी इनकी लॉस होगी, लेकिन जब ये अलग हुए तो इन्होंने अपनी एनर्जी जो लॉस की थी वो रिगेन कर ली और अपने इनिशियल शेप में आ गए। इसलिए फाइनल यानी आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उनका शेप डिफॉर्म हुआ है और इस शेप के डिफॉर्मेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो खर्च हो गई होगी और जब फिर रिगेन करेंगे अपना शेप तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या कर लेंगे ये रिक्वायर कर लेंगे या रीगेन कर लेंगे और अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर कोलिजन जो थी उसके बराबर हो जाएगी। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल भी क्या है इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो एक इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि मोमेंटम भी कंजर्व होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी बल्कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन कुछ एनर्जी क्या हो गई होगी लॉस हो गई होगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जब टकराएंगे तो या तो हीट प्रोड्यूस होगी साउंड प्रोड्यूस होगा और हो सकता है लाइटनिंग भी होगा, तो इन फॉर्म में क्या है कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसलिए इन इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल नहीं होगी, इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगी दोनों इक्वल होगी, मोमेंटम दोनों टाइप के कोलिजन के लिए ऑलवेज कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो यहां से दिख रहा होगा स्क्रीन पे सभी को, पूरी स्क्रीन दिख रही, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अब देखो बिफोर कोलिजन क्या है आपका वेलोसिटी इज u1 u2 है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इज क्या है v1 v2। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से निकाल लेंगे, हटा दें इसको, ये बातें तो आपने सीख ली है नोट कर लिया होगा। तो यहीं पे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है हमें और वो आपको बताना है, तो हम उतना ही डायग्राम बना रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का कहानी बना रहे। बिफोर कोलिजन आपका ये सिस्टम है, आफ्टर कोलिजन ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, तो इसका मतलब बिफोर कोलिजन सिस्टम का जो मोमेंटम है मतलब पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम ये इक्वल होना चाहिए आफ्टर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम यानी पहले पार्टिकल का मोमेंटम और दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम के सम के बराबर। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब हो गया मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से एक काम करते हैं m1 वाले एक तरफ देख रहे हैं और m1 कॉमन ले रहे हैं,
C1 और इस इक्वल टू मिल जाएगा M2 वाले एक तरफ लिख रहे हैं और V2 M2 पावर ले रहे हैं V2 माइनस U2 इक्वेशन नंबर 1। देखो M1 वाले एक तरफ ले आए M1 कॉमन ले लिया ये मिल गया, M2 वाला एक तरफ ले गए M2 कॉमन कर लिया तो भी ये रिलेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कहा क्या पढ़ाई किया था कि मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहता है यानी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसका? P सिस्टम का, सिस्टम का ध्यान रखिएगा। अब क्या करें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी KI इज इक्वल टू KF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी? सिस्टम की है, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की हो जाएगी हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ M1 V1 स्क्वायर दिख रहा होगा प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अगेन हम पूरे इक्वेशन से हाफ को एलिमिनेट कर सकते हैं और हाफ को एलिमिनेट करने के बाद जिनके सफिक्स में 1 लगा है वो एक तरफ ले आएंगे, उसमें से M1 कॉमन ले लेंगे, जिनके सफिक्स में 2 लगा है वो एक तरफ ले जाएंगे वहां से M2 कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा करने पे हमें मिल जाएगा M1 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर M2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नोट करें इतना। अब क्या करेंगे यहां पर, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करें डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करोगे तो M1 और M2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हम A2 माइनस B2 का फार्मूला लगा देंगे, यहां पर भी यही फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा U1 माइनस V1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा U1 प्लस V1, यहाँ पर आएगा V2 माइनस U2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा V2 माइनस U2 यानी V2 माइनस U2 और V2 प्लस U2। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे यानी इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2 और इसको एक तरफ लिखने तो हम लिख सकते हैं U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये एक रिलेशन मिल गया हमें U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? U1 माइनस U2 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और V2 माइनस V1 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। देखो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी बी द्वारा देखने पर ए की वेलोसिटी कितनी होगी तो हम लिखा करते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्योंकि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 20 यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। बी को दिखेगा क्या दिखेगा? बी को, बी को दिखेगा कि ए 10 मीटर पर सेकेंड से बी के अपोजिट जा रहा है, देखा ना माइनस लगा हुआ है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है। तो वही तो यहां दिख रहा है 1 के रेस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने कहा कि देखो यहां से क्या निकला U1 माइनस U2 तो A माइनस B लिखा था तो B इसका मतलब क्या था A का वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में तो यहां क्या लिखा है आपका U1 माइनस U2 तो 1 की स्पीड 2 के रेस्पेक्ट में और यहां पर क्या है 2 की स्पीड 1 के रेस्पेक्ट में मतलब एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन। इसे इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इनका एक और नाम है, इनको हम ये भी कह सकते हैं जो ये U1 माइनस U2 है इसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और फिर क्या हुआ था धाम हुआ था यानी टकराए थे टकराने के बाद फिर अलग हुए थे तो इसको हम बोल सकते हैं जो V2 माइनस U1 V1 है V2 माइनस V1 इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
तो u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करोगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इतनी जितना ये डिस्कशन हुआ है इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन से कोई भी वेरिएबल जो अननोन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, हटा दे इतना, इतनी बात हटा दे सारा यहां से। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या है, ये दो पार्टिकल है, बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी हमें पता है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमें निकालना है। इसे हमने कहा कि हमारे पास ये 2 kg का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 5 m/s है, और दूसरा जो है 1 kg का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 2 m/s है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, ये जो 2 kg का है इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और जो 1 kg का है इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और ये v1 और v2 हमें कैलकुलेट करना है, v1 और v2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमेशा जब भी ये वन डायमेंशन में, ये वन डायमेंशन की प्रॉब्लम है कोलिजन की, तो 1D में जब कोलिजन हो रहा हो तो हमेशा एक इक्वेशन ये यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये इक्वेशन यूज करें, देखो यहाँ पर ये u1 है, ये u2 है, तो u1 माइनस u2 का मतलब हो गया 5 - 2 इज इक्वल टू v2 - v1। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, और दूसरी इक्वेशन हमेशा आप लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एनी काइंड ऑफ कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलवेज वैलिड रहता है। ठीक है, तो दूसरी क्या लगाएंगे, m1 u1, यानी m1 का मतलब हो गया 2, u1 का मतलब है 5, प्लस m2 का मतलब हो गया 1, u2 का मतलब है 2 इज इक्वल टू m1 v1, यानी 2 × v1 प्लस 1 × v2। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ली है, डायरेक्शन का ध्यान रखना, आपको साइन कन्वेंशन याद होगा ना, इस डायरेक्शन वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव और इधर वाली नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी अगर हम इधर को दिखा देंगे तो माइनस साइन के साथ यहाँ रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या यहाँ से हमें मिल जाएगा आपका ये 10 और ये 12 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 2v1 + v2, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। क्या ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ये क्या 5 - 2 का मतलब हो जाएगा 3, 3 = यानी 3 = कितना हो गया v2 - v1। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम, ये जो दो इक्वेशन हमें मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे v2 v2, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 12 - 3 9, और ये क्या बचेगा आपका 2v1 और प्लस का v1 हो जाएगा, यानी ये 3v1। तो क्या यहाँ से v1 मिल जाएगा 9/3, यानी 3 m/s, v1 मिल गया 3 m/s। तो आप v1 की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये 2v2 - 3 = 3, तो v2 कितना हो जाएगा 6, v2 कितना हो जाएगा 6 m/s। ठीक है, लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन हमने आपको ये दिया, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको, और आज की क्लास अगले क्वेश्चन के साथ ही समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दो पार्टिकल हैं, ये चल रहा है आपका 5 m/s से, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये यहाँ पे रेस्ट में, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल था ये इधर को मूव करने लगा 2 m/s से, और ये जो था आपका m मास का पार्टिकल था वो इधर ही जा रहा है v2 वेलोसिटी से। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे लगाओगे, एक तो इक्वेशन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके। ध्यान रखना है कि इस बार ये वेलोसिटी इधर तो दिखाई गई है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट करना। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में।